हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से अंबे इलेक्ट्रिकल्स में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, अच्छे रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो हम जानने वाले हैं सबमर्सिबल मोटर की जो बुशिंग होती है, अगर वो ख़राब हो जाए तो हम उसको किस तरह से चेक करते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा सबमर्सिबल मोटर होता है तो इसमें जो रोटर लगता है फ्रेंड्स, इसमें हमारी दोनों साइड बुशिंग लगाई जाती है फ्रेंड्स। इसमें भी बुशिंग लगाई जाती है फ्रेंड्स, ऊपर का हिस्सा है और फ्रेंड्स ये हमारा नीचे का हिस्सा है, इसमें भी बुशिंग लगी होती है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जब हमारी सबमर्सिबल मोटर की बुशिंग ख़राब हो जाती है तब पानी नहीं उठाती है, या फिर मोटर का जो स्टार्टर लगा रहता है उसमें जो एम्पियर होता है वो काफ़ी ज़्यादा लेने लगता है और हमारी जो मोटर है वो फंस फंस के चलने लगती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसको इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं रोटर में बुशिंग लगी होती है वो किस तरह से चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है, जो नए दर्शक है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इसको हम बुशिंग चेक करने से पहले जो हमारी सबमर्सिबल मोटर है इसको करंट से चालू करके देखते हैं, अगर ये हमारी मोटर किस तरह से चलती है और इसको बुश खराब हो जाती है तो हम किस प्रकार इसको चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको हम चालू करके देखते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जो हमारी सबमर्सिबल मोटर है V4 की, इसकी जो बुशिंग होती है उसको किस तरह से चेक करते हैं, अगर ख़राब हो जाए तो किस तरह से चेक करते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा अगर हमारी जो सबमर्सिबल मोटर की जो बुश होती है या शाफ्ट होती है, अगर वो ख़राब भी हो जाती है फिर भी हमारी जो सबमर्सिबल मोटर है वो रन करती है, मतलब कि फ्रेंड्स वो चलती रहती है और फ्रेंड्स उसमें हमको पता भी नहीं चलता कि हमारी इसकी बुश कब ख़राब हो गई। और फ्रेंड्स, हमको पता तब चलता है जब फ्रेंड्स हमारी जो सबमर्सिबल मोटर होता है वो कम पानी देने लगता है, या फिर जो हमारी केबल होती है फ्रेंड्स सबमर्सिबल मोटर की वो हीटिंग होने लगती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक कंडीशन और होता है फ्रेंड्स, जो हमारा पैनल स्टार्टर होता है उसका जो एम्पियर मीटर है वो कुछ ज़्यादा शो करने लगता है, मतलब कि जो पहले नॉर्मल तौर से कुछ ज़्यादा एम्पियर लेने लगती है मोटर, और बार बार हमको क्लच वायर स्विच पुश करने के बाद भी कभी कभी मोटर ऑन होती है कभी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, जो हम मोटर है इसको हम आपको पहले चेक करके दिखाते हैं, फिर इसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम की जो इसकी बुश होती है वो किस तरह से चेक करना है वो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस मोटर को हम सबसे पहले चालू करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जो हमारी सबमर्सिबल मोटर है उसको हम चालू करके देखते हैं। ये हमने इसमें 50 MFD का कैपेसिटर लगा के इसको रन करके देखना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा कैपेसिटर लग गया है, अब हमको लाइन देना है इसमें, मतलब कि सप्लाई देना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सप्लाई देने के बाद आप यहाँ पे देखिए ये हमारी जो सबमर्सिबल मोटर है रन तो कर रही फ्रेंड्स, लेकिन फ्रेंड्स ये बहुत सारा आवाज़ भी कर रहा है फ्रेंड्स, और आप यहाँ पे सुन लीजिए एक बार। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो हमारी सबमर्सिबल मोटर है हमने रन करके देख लिया है, जब बुश ख़राब हो जाती है तो कुछ इस तरह से ये आवाज़ करती है, और फ्रेंड्स आवाज़ के साथ साथ जो हमारा सबमर्सिबल का रोटर होता है फ्रेंड्स ये इस तरह से हिलने लगता है फ्रेंड्स, इस तरह से हिलने लगता है, आप देख लीजिए यहाँ पे इस तरह से थोड़ा थोड़ा इसमें प्ले हो जाती है, और प्ले होने के बाद फ्रेंड्स हम इसमें जान सकते हैं कि हमारी बुश इसकी ख़राब हो गई है। फ्रेंड्स, इसकी कभी कभी इसमें बुश ख़राब हो जाती है और कभी कभी इसमें बुश और शाफ्ट दोनों ही ख़राब हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसको हम अब आपको खोल के पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सबमर्सिबल मोटर की बॉडी को ओपन कर लिया है। फ्रेंड्स, इसका जो सबमर्सिबल मोटर है इसका जो रोटर है फ्रेंड्स ये हमारा दोनों बुशिंग जो लगी हैं, एक ऊपर का ये ऊपर वाला है फ्रेंड्स, और ये फ्रेंड्स हमारा नीचे वाला फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसमें हम जानने वाले थे जो हमारे इसमें बुशें लगी हैं वो किस तरह से कट जाती है, हम उसको किस तरह से चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा ऊपर वाला हाउजिंग है फ्रेंड्स, इसमें दो बुश लगी है हमारी, एक बुशिंग लगी है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख लीजिए एक बुश अंदर लगी है इस साइड में, और तो और फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा ये रोटर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आपने देखा होगा कई बार जो हमारा सबमर्सिबल रोटर होता है वो भी कट जाता है फ्रेंड्स। तो जो फ्रेंड्स हमारे रोटर है ये तो नहीं कटा फ्रेंड्स, इसमें हल्का सा स्क्रेच जरूर आया फ्रेंड्स यहाँ पे, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो रोटर है वो नहीं कटा है। हम इसके बैक साइड में देखते हैं फ्रेंड्स, तो ये भी फ्रेंड्स हमारा जो रोटर है वो नहीं कटा है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो बुश है वो बुश ही शायद इसमें कट चुकी है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारी बुश है उसको हम किस तरह से चेक करते हैं मोटर को ओपन करने के बाद। तो फ्रेंड्स, हमारा जो बैक वाला साइड है रोटर का और जो हमारा बैक वाला हाउजिंग है जिसको बुश लगी हुई है हमारी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस रोटर में इस तरह से लगा के देखना है एक बार,
लगा के फ्रेंड्स इसमें इस तरह से देखना है प्ले करके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा बुशिंग लगी हुई है फ्रेंड्स, ये हमारा प्ले कर रहा है, मतलब कि फ्रेंड्स ये ऊपर नीचे हिल रहा है, इस तरह से चेक कर सकते फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स हमारा जो ऊपर वाला है इसको भी हम चेक करते हैं, हमारा ऊपर वाला हाउसिंग है जिसमें हमारी बुश लगी हुई है, तो फ्रेंड्स इसमें भी आप इस तरह से देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से प्ले हो रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारी सबमर्सिबल मोटर है V4 की, इसकी सिर्फ बुशें कटी हुई हैं और हमारा जो रोटर है वो बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारी बुश इसकी कट चुकी है वो किस कारण से कटी है फ्रेंड्स, जो हमारा मोटर ये लगती है हमारी फिटिंग होती है ये सबसे ऊपर वाला भाग होता है और यहाँ से जो बालू आती है बोर में, मतलब कि सबमर्सिबल मोटर के साथ जो आप पंखी देखते हैं कभी कभी बालू आने लगती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑयल सील लगी हुई है, यहाँ पे सील लगी हुई है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारे बोर्ड में सबमर्सिबल मोटर चालू करते हैं तो उसमें रेत आ जाती है, छोटे छोटे जो रेत के कंकड़ होते हैं वो यहाँ से मोटर के अंदर चले जाते हैं और वाटर सील के अंदर से जाने के बाद हमारी बुशिंग जो होती है वो खराब हो जाती है, वो कट जाती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर सबमर्सिबल मोटर की बुश कट जाती है तो जो पानी होता है वो कम देने लगती है मोटर और कभी कभी झटके से मोटर ऑन होती है। तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में आप सबमर्सिबल मोटर की बुशें चेंज करवा सकते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो हमारी सबमर्सिबल मोटर है इसकी बुश खराब हो गई है, इसके चेंज करने के बाद हम आपको मोटर चला के एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे। और जब हमने बुश खराब थी मोटर की तब इसको ऑन करके दिखाया था, तब किस तरह से आवाज़ करती थी, किस तरह से पिली थी, और जब इसकी बुश है वो चेंज हो जाती है, बदल जाती है, इसके बाद मोटर किस तरह से रन करती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, हमारी वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी जो सबमर्सिबल मोटर है इसकी बुशिंग कंप्लीट हो चुकी है, मतलब कि इसमें नया बुश लग चुका है और जो रोटर था इसका, इस रोटर हमारा नहीं कटा था इसलिए इसमें जो रोटर का पॉलिश किया है, इसमें पॉलिश करवाया है इसमें रोटर में, और जो बुश है इसमें पूरा नया बुश लग चुका है फ्रेंड्स। बुश लगने के बाद इस मोटर को हमने फिट कर लिया है फ्रेंड्स, इसमें हम आपको इसमें चेक करके मतलब कि चालू करके दिखाते हैं नया बुश लगने के बाद कि इसमें जो आवाज़ है और इसकी जो शाफ्ट है वो किस तरह से काम करती है। और फिर जब हमने इसकी शाफ्ट बुश खराब थी फ्रेंड्स तब हमने आपको चालू करके दिखाया था तो हमारी जो मोटर है वो बहुत सारी आवाज़ कर रही थी फ्रेंड्स, और जो हमारी शाफ्ट है मोटर की वो यहाँ से उधर प्ले हो रही थी फ्रेंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारी जो सबमर्सिबल मोटर है इसकी जो शाफ्ट है वो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं प्ले करके बिल्कुल भी प्ले नहीं हो रही है, मतलब कि यहाँ से इधर, इधर से इधर बिल्कुल भी नहीं हो रही है, मतलब कि फ्रेंड्स हमारी जो बुशें हैं वो बिल्कुल सही तरह से सेट हो चुकी है फ्रेंड्स। अब हम इस वीडियो इसमें फ्रेंड्स यहाँ पे हम आपको जो हमारी मोटर है इसको ऑन करके आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप देख लीजिए फ्रेंड्स सबमर्सिबल मोटर फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरह से रन कर रही है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स तो इस वीडियो में हमने आपको सबमर्सिबल मोटर की जो बुश होती है वो किस तरह से चेक करते हैं वो इस वीडियो ने आपको बताया है। तो फ्रेंड्स जो हमारे नए दर्शक है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एक बार हम फिर से एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे आपको।